तकलीफ है तो फिरोज का काम है कि वो उनकी सेवा करे। अगर फिरोज शेख किसी चौधरी या किसी शिंदे के बाजू में रह रहा है और फिरोज शेख तकलीफ में है तो उन्होंने सिर्फ फिरोज शेख की तकलीफ को देखना है, फिरोज शेख की जाति या उसको नाम को नहीं देखना है। और यही काम हमारा प्रहार जनशक्ति पक्ष करता है और आगे भी इंशाअल्लाह हम पूरे रावेर यावल विधानसभा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे जिले में बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर बच्चू भाऊ कड़ी के हाथों को मजबूत करेंगे। और हमारे उत्तर महाराष्ट्र के अंदर एक सितारा जो हमारे बीच में बैठा हुआ है, एक सितारा जो चमक के निकला है, जो इस सरजमीन को रोशन करना चाहता है, अब उस सितारे को चांद बनाने का काम आपको और हमको करना है और वो कोई और नहीं हमारा माननीय अनिल भाऊ चौधरी है। तो बस इसी अपील के साथ कि आप लोग प्रहार जनशक्ति पार्टी के हाथों को मजबूत करें, अनिल भाऊ का बच्चू भाऊ का साथ दे। और मैं आखिर में यहाँ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे अजीज हमारे बड़े भाई जलील मेंबर साहब जिन्होंने आज सच्चाई को समझा, हकीकत को समझा और आज उन्होंने पक्ष में प्रवेश किया। उनके साथ में सप्तारे साहब आए हैं, हमारे आरिफ भाई आए हैं। अब इन्होंने समझा है कि हमारे को सही जगह यहाँ पर मिली है। अब हम जो आज तक लोगों के पीछे जाकर सेवाओं का काम करते थे, अब हम अनिल भाऊ के हाथों को मजबूत करके हम अपने मतदार संघ में नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है तो प्रहार जनशक्ति पार्टी का झंडा लहराएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय प्रहार। इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे अलीम भाई जो रावेर यावल विधानसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक प्रमुख है उनको जो है तो वो मंच पर आए और अपने ख्याल का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर फैजपुर शहर में प्रहार जनशक्ति पार्टी का जो पक्ष प्रवेश मेलावा रखा गया, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे प्रहार जनशक्ति पार्टी के उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष और रावेर यावल विधानसभा के भावी आमदार अनिल भाऊ चौधरी मंच पर बैठे थे, हमारे युवक के जिला अध्यक्ष अविनाश भाऊ, हमारे अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष फिरोज भाई, आरिफ भाई और भाऊ तुम बहुत होशियार है, तुमको मालूम है कि गधा कौन है और घोड़ा कौन है, तुमने बराबर हमारे जलील मामू को पक्ष में बराबर प्रवेश करे, होशियार है तुम बहुत बराबर है कि तुमको पता है कि गधा कौन है और रेस का घोड़ा कौन है, तो तुमने रेस के घोड़े को बराबर आता के वो। और मंच में बैठे हुए हमारे सभी पदाधिकारी, सामने बैठे हुए हमारे बुजुर्ग नौजवान अजीज दोस्त, अभी हमारे अजीज दोस्त फिरोज भाई इन्होंने बताया कि अनिल भाऊ चौधरी बंधु चौधरी परिवार ये किस तरीके से लोगों की सेवा भाव करते आ रहे। मैं पहले यहाँ से अनिल भाऊ के लिए शेयर कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में ना तोला जाए, मैंने इंसान ही रहने की खाई है कसम, मुझको हिंदू मुसलमान ना समझा जाए। ये वो अनिल भाऊ चौधरी है जो हर समाज के लोगों के लिए काम रात हो दिन हो जब भी भाऊ को फोन गया वो आधी रात को उठते हैं और वो काम को अंजाम देते हैं। मैं आपको एक कम वक्त में एक बात बताना चाहता हूँ कि जो काम हमारे विधानसभा के आमदार ने करना चाहिए था तो बड़ी शर्म की बात है वो काम हमारे अनिल भाऊ को करना पड़ा, क्योंकि किंगाव के अंदर रावेर तालुके के 15 लोगों का एक हादसे के अंदर मृत्यु हुआ और वहां पर 4:30 बजे रात को जो एक व्यक्ति कौन था ना अल्लाह जाने, वो व्यक्ति ने अनिल भाऊ चौधरी को 4:30 बजे रात को फोन करा और ये अनिल भाऊ चौधरी आधे घंटे के अंदर 5 बजे सिविल हॉस्पिटल में अनिल चौधरी पहुंचे और इन्होंने डॉक्टर को फोन करा, कार्यकर्ता को फोन करा, एम्बुलेंस बुलाए और हमारे मतदार संघ के आमदार ये कहते हुआ कि अरे इनको ट्रकों में लेके जाने दो लाशें, और अनिल भाऊ ने उनका क्रियाक्रम हर समाज के रीति रिवाज धर्म के हिसाब से उनकी व्यवस्था की, उनके घर पर भेज दी और उनके आगे की जो कुर्सियां थी पूरी की। और इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रहार जनशक्ति पार्टी एक ऐसा पक्ष आदरणीय नामदार शिक्षण मंत्री बच्चू को पढ़ू जिन्होंने इसकी स्थापना किया है, ये पक्ष ये इसके अंदर जातिवाद का जो भी नहीं है, यानी जातिवाद बिल्कुल नामकू नहीं है और ऐसा कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी के दिमाग में हुआ तो उसको प्रहार में कोई स्थान नहीं मिलेगा। प्रहार जनशक्ति पार्टी सर्वसाधारण सर्वधर्म सर्वजाति के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। ये शेर के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि
ना राम आएंगे ना रहीम आएंगे, ना राम आएंगे ना रहीम आएंगे, अब तो बस सिर्फ इंसान इंसान के काम आएंगे। तो ये जो पार्टी है ये इंसान इंसान के काम में आएंगे। शेतकरियों का मुद्दा बोलो, शेतकरियों की परेशानी बोलो, चाहे अपंग लोग हो, दिवंग बांधु असो, विधवा असो, आधी रात को दिन हो, धूप हो, छाओ, हमारा पक्ष जो है ये गरीबों की सेवा करता है, गरीबों के आधी रात को काम करता है। और दूसरा पक्ष मैं खुद कांग्रेस के अंदर रावेर विधानसभा क्षेत्र का मैं भी अध्यक्ष था, युवक का हूँ, लेकिन वहाँ हमारी क्या इज्जत है हमको मालूम, हमारे लोगों की वहाँ क्या इज्जत है कांग्रेस में हमको मालूम है। और हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद से अभी तक कांग्रेस ने मेरे को सबसे ज़्यादा नुकसान कोई समाज का अगर करेगी तो है मुसलमान। बाबरा मस्जिद के अंदर सीमा निवास की नगर आया था इन्होंने, उसके बाद में फिर नसबंदी गिने लाया था इंदिरा ने, तो फिर आप हमारे आंखें नहीं खुलेंगे तो कब खुलेंगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आओ अपने हालत के बदलने का, तो हमको हमारे हालत बदलने होंगे। और हमारे हालात कब बदलेंगे, जब हम ऐसे अनिल बहू चौधरी है, बच्चू बहू है, और ऐसे लोगों के हम हाथ मजबूत करेंगे जो कोई भी समाज को, जो फिरोज भाई ने बताया कि हरा झंडा, भगवा झंडा, फिर मंदिर मस्जिद, इसके ऊपर जो फूट डालकर समाज के अंदर कौम की एकता को और देश की अखंडता को ठेस पहुंचाकर राजकरण करते हैं, ऐसा राजकीय पक्ष हमारा नहीं है, ये दूसरे पक्ष के लोगों को दिए। और दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, आप उनके पदाधिकारी को, उनके कार्यकर्ता को देखो, जो मौलाना आजाद ने क्या खूब कहा था कि जो खुद के लिए जिंदा है वो कौम के लिए मुर्दा है, जो खुद के लिए जिंदा है वो कौम के लिए मुर्दा है, और जो कौमों के लिए जिंदा है वो सबके लिए जिंदा है। तो हमें जो है दूसरों के लिए जिंदगी जीना है, दूसरों के काम करना है। और ये शेर कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, आईना देखकर सवरते नहीं हम, आईना देखकर सवरते नहीं हम, लगे पत्थर भी तो बिखरते नहीं, लाख मुश्किलों पे मुश्किलें आ जाए, आशा रास्तों से गुजरते नहीं असाओ।